रिफ्यूजी के दर्द और संघर्ष पर बनी ये नेटफ्लिक्स फिल्में आपको ज़रूर देखनी चाहिए। किसी भी देश में किसी को भी शरणार्थी बनकर रहना पसंद नहीं होता, मगर हालात उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी जंगों में अपनी जमीन जायदाद सब गवा बैठते हैं और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं, जिन्हें अपना मुल्क छोड़ दूसरे मुल्क में जाकर शरण लेनी पड़ रही है। 20 जून 2020 को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है। इस खास मौके पर बता रहे हैं उन फिल्मों के बारे में जिसमें शरणार्थियों का दर्द बयां किया गया है। बीस्ट ऑफ नो नेशन, ये 2015 में रिलीज़ हुई अमेरिकन मूवी है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक मासूम लड़का अगू, जो अपने परिवार के साथ छोटे से गांव में रहता है, जंग में अपने देश को बचाने के लिए छोटी उम्र में ही सैनिक बन जाता है। इस कहानी को बड़ी बारीकी से फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। छोटी सी उम्र में एक बच्चे के अंदर संवेदनशीलता आ जाती है और जो बाद में लेकर आती है उसके अंदर एक आक्रोश। ये आक्रोश देश के प्रति उस छोटे से लड़के की भावना का प्रतिबिंब होती है। अमेरिका में इसे थिएटर में ज़्यादा जगह नहीं मिली और बॉयकट का सामना भी करना पड़ा था, मगर अंत में फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया। फर्स्ट डे किल्ड माय फादर, ये फिल्म 2017 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म का एक बायोग्राफिकल हिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में उंग नाम के एक 5 साल के बच्चे की कहानी दिखाई गई है, जिसे ज़बरदस्ती सैनिक बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म का निर्देशन एंजेलिना जोली ने किया था। इसकी कहानी वियतनाम वॉर के दौरान की कहानी है।